शीत सत्र के तीसरे दिन मोर्चा निषेध आंदोलन का सिलसिला देखने को मिला। तीसरे दिन भी विपक्ष किसानों के मुद्दे पर आक्रामक देखने को मिले। प्याज के निर्यात पर नारेबाजी की, साथ ही 370 कलम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर चर्चा हुई। आज शीत सत्र का तीसरा दिन है और शीत सत्र के तीसरे दिन हमने देखा कि 370 आर्टिकल को लेकर जो है सभागृह में या सभागृह के बाहर जो है नेताओं की बाइट चली या नेताओं के जो है चर्चा सत्र चला। लेकिन जिस तरह से विदर्भ में ये अधिवेशन होता है, खासकर कहा जाता है कि विदर्भ के मुद्दों को हल करने के लिए अधिवेशन या शीत सत्र लिया जाता है नागपुर में, लेकिन आज का तीसरा दिन ऐसा था कि जहां पर ना कि विदर्भ ना कि महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ हमने देखा कि तीसरे दिन जो है मोर्चा, जैसे हम कहते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, वैसे मोर्चों का सिलसिला आज चला। एक बात इसमें गौर करने वाली रही क्षितिजा कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर जो निर्णय दिया है उसको सही बताते हुए जो है सत्ताधारियों ने अपनी पीठ जो थपथपाई, वही विरोधियों ने इस मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक खेल खेले हैं। उन्होंने कहा है आज मुख्य बात ये थी कि कांग्रेस का जो मोर्चा निकला उसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि ये जो 370 आर्टिकल हटाया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, उसको भी उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने उसका अगर इतना ही फायदा हुआ है तो क्यों राष्ट्रपति शासन लगाया गया, या फिर उसको लेकर कई बातें कही गई है कि सरकार ने अगर सही में उसको ये आर्टिकल 370 सही है तो उन्होंने क्यों चुनाव अभी तक नहीं लिए, क्यों उसको मुद्दा बनाया रखा। बिल्कुल, जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप हमने देखा कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्णय दिया गया है कि जल्द से जल्द वहां जो है चुनाव लिए जाए, उस पर भी बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप यहाँ हुए हैं। जिस तरह से प्रकाश आपने बताया कि सत्ताधारियों ने अपनी पीठ थपथपाई है इस जो है जो भी निर्णय दिया गया है उसको लेकर, लेकिन विरोधकों द्वारा विपक्षियों द्वारा जो है ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 370 आर्टिकल हटाया गया था उसके बाद जो बातें कही गई थी वहां होनी थी वो हुई नहीं, और इसे देखते हुए जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जो है ये निर्णय दिया गया है। और देखा जाए तो आज प्याज के मुद्दे को लेकर सिर्फ विपक्ष आक्रामक होते दिखाई दिया, लेकिन समय ढलते ढलते हमने देखा कि कांग्रेस का मोर्चा था और उस इसमें ये सब मुद्दे जो है इन तीनों मुद्दों को लिया गया, और 370 से लेकर किसान, बेरोजगारी, महंगाई इन सारे मुद्दों को भी यहाँ पे जो है मोर्चा के थ्रू यहाँ पे सामने लाया गया। विधान भवन पर जो है कांग्रेस के मोर्चा ने दस्तक दी थी, साथ ही साथ सुबह जो एक मोर्चा हुआ था उसमें बीजेपी की ओर से जो है राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के उनका प्रतीकात्मक पुतला जलाकर भी दहन भी किया गया, फूका गया वो पुतला। ऐसा ये तीसरा दिन था, ये पूरा ऐसा रहा है, और आज के दिन जो है किसी तरह का हल जो है नहीं निकल पाया है। आज अधिवेशन का तीसरा दिन था, काफी महत्वपूर्ण दिन था, हफ्ते का दूसरे हफ्ते का पहला दिन था, इसलिए विरोधक जो थे काफी आक्रामक दिखाई दिए, खासकर कांग्रेस पक्ष का आज जो है बड़ा मोर्चा विधान भवन पर आया था जिसमें हजारों लोग, 10,000 से करीब ज्यादा पब्लिक थी जिन्होंने मोर्चे में अपनी दस्तक दी, और साथ ही सभा भी यहाँ पर हुई। सभी ने अपने मुद्दे कहे, विरोधी पक्ष के सभी बड़े नेता जिसमें यशोमदेव ठाकुर थे, विरोधी पक्ष नेता बड़ेट्टीवार थे, साथ ही नाना पटोले थे, पूर्व मंत्री भी थे, ये इन सभी लोगों ने जो है सरकार को आड़े हाथ लिया है। साथ ही कई मुद्दे खासकर किसानों के मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार के जो नेता है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर असल में अगर देखा जाए तो किसानों को अभी तक मदद नहीं मिली है। साथ ही जो किसानों का माल है, जो खेती का उपज निकल रही है उसको भी सही दाम सरकार नहीं दे रही है, मगर हर बार सरकार कह रही है कि हम किसानों की मदद करेंगे मगर असल में जो है किसानों की मदद होती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, तीसरा दिन भी था, किसानों के जो मामले थे या किसानों के जो समस्याएं थी, मुद्दे थे, उसे लेते हुए जो है विपक्ष आक्रामक रहा। और अब चौथा दिन जो है शीत सत्र का, उस दिन जो है मराठा आरक्षण पर चर्चा होनी है। अब देखना
होगा कि क्या इसमें भी हल निकलता है या नहीं, या आश्वासन ही दिए जाएंगे कल। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है क्षितिजा कि आज धनगर का भी बहुत बड़ा मोर्चा था, जो देखने वाली बात है। धनगर को लेकर आज विधायक राम शिंदे ने भी जो बड़ी बातें कही है, उन्होंने कहा कि धनगर जो कास्ट है उनको एसटी का आरक्षण जो पहले मिल रहा था वो मिलना चाहिए, उनका वो आरक्षण कंटिन्यू होना चाहिए। जो अभी तक सरकार ने जिसको एसटी के दायरे से जो धनगर को बाहर किया है वो उनके फिर से उसका लाभ मिलना चाहिए। उसको लेकर उन्होंने आज प्रतिक्रिया दी थी सवेरे, उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सभी धनगर के नेताओं ने जो उस कम्युनिटी से आते हैं उन्होंने अपने पक्षीय पार्टी को छोड़कर खासकर जो अपनी इस कम्युनिटी का है, धनगर कम्युनिटी को, उसको सामने ले जाना चाहिए, साथ ही इस पर समर्थन भी दर्ज कराना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि आज जो है किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक रहा, आज कांग्रेस का हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया, साथ ही साथ धनगर का भी बहुत बड़ा मोर्चा था, और कल का दिन जो है मराठा आरक्षण के लिए जो है चर्चा की जानी है। साथ ही साथ रोहित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रोहित पवार की युवा संघर्ष यात्रा का भी समापन जो है कल होने वाला है नागपुर में, और इसके लिए दिग्गज नेता जो है यहाँ नागपुर में होने वाले हैं, जैसे कि शरद पवार है, दिग्विजय सिंह है, और दिग्विजय उद्धव ठाकरे जो है उद्धव बाळासाहेब शिवसेना के उद्धव बाळासाहेब गुट के जो उद्धव ठाकरे, ये भी उस समापन समारोह में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि कल भी क्या मराठा आरक्षण पे कुछ चर्चा हो पाएगी, उसमें से हल निकलता है या नहीं। जिस तरह तीनों दिन जो है अधिवेशन काफी अच्छा चला है, उसी के साथ चौथा दिन भी हंगामेदार रहेगा, क्या उसमें देखने को मिलता है, कौन से मुद्दे सामने आते हैं, क्या किसानों को मदद मिलती है, ये सब देखना खास होगा, या मराठाओं को आरक्षण मिलता है। एक बड़ी बात है कि अगर आप हम देखें तो ये अधिवेशन होता है विदर्भ के मुद्दों को लेकर, मगर असल में मुद्दा विदर्भ के मुद्दों को अभी तक नहीं लिया गया है मुख्य रूप से, कोई चर्चा नहीं आने वाला, ना कोई विदर्भ के नेता हमें बात करते हुए दिख रहे हैं ना कुछ। तो देखना है कि चौथे दिन में ऐसा क्या होता है, क्या विरोधी पक्ष के नेता या फिर सरकार के ही जो नेता है जो विदर्भ से बिलोंग करते हैं, क्या वो विदर्भ को न्याय देने के लिए कोई मुद्दे उठाते हैं, क्या देखते हैं, वो भी देखना खास होगा। बिल्कुल, और इन सब बातों को जानने के लिए, शीत सत्र से जुड़ी खबर को देखने के लिए आप बने रहिए बीसीएन के साथ। नमस्कार।